राजस्थान के बहरोड में बदमाशों ने बीते दिनों रंगदारी के मामले में ब्लू वाटर पार्क में घुसकर तोड़फोड़ कर रंगदारी मांगी थी। वहीं थाना प्रभारी प्रेम प्रकाश ने बताया कि बीते 14 सितंबर को बहरोड क्षेत्र सौरवा गांव मोनू ने अपने साथियों के साथ ब्लू वाटर पार्क में घुसकर तोड़फोड़ कर रंगदारी मांगने का मामला 15 सितंबर को नामजद दर्ज कराया था, जिसको लेकर दो टीमें गठित कर दबिश दी गई। मोनू व उसके एक साथी को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसको न्यायालय में पेश कर पीसी कर लेकर पूछताछ की जाएगी, जिनसे और वारदात खुलने की संभावना जताई जा रही है। घटना को अंजाम देने करीब 8-10 अपराधी परवर्ती के युवक बताए गए थे। पुलिस बदमाशों की पहचान कर तलाश में जुटी है। ग्राम सोरबा में स्थित वाटर पार्क पर दिनांक 14/9/21 को तोड़फोड़ करने और रंगदारी का मामला सामने आया, जिस पर 15/9 को प्रकरण दर्ज किया गया, जिसमें एक नामजद मुंजी मोनू उर्फ जितेंद्र जो फरार हो गया था, उसके अन्य साथियों के साथ उसने ब्लू पार्क में रंगदारी और तोड़फोड़ कर और DVR और कैमरे वगैरह तोड़ने के संबंध में फरारी के दौरान इसने इसके पीछे काफ़ी प्रयास किए गए थे, जिसमें दो टीमें लगाई गई थी। टीमों के भरसक प्रयास के बावजूद इसको कल गिरफ्तार किया गया और इसके अन्य साथी जिसका नाम है अजीत सनोक कृष्ण कुमार, जो कि गुगड़िया का निवासी, उसको आज गिरफ्तार किया गया है। यह तोड़फोड़ क्यों की गई थी, इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। सर, इस मामले में इन लोगों पे कोई मुकदमा धाराओं के तहत में मुकदमा दर्ज होगा? जी, जो प्रकरण में धाराएं लगाई गई है वो पूर्णतः प्रमाणित है, जिसके बारे में और कोई अन्य कारण आएंगे तो आगे इसमें पता चलेगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।